जनाब अली, खुश आमदेद कहते हैं आपको। हमारा ये सेगमेंट है बैतबाजी का और ये हमारा सेकंड क्वार्टर फाइनल है जिसकी दोनों टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका भी तारुफ कराता हूँ। ये भी कि इस मुकाबले में जाहिर इकरार भाई तो सिंपली दो टीम्स होती हैं और उसमें बता देते हैं जो भी सारे मयार हैं वो आप सबको मालूम है, उसकी बुनियाद पर कि विनर ये हैं और ये लूज कर रहे हैं। लेकिन एक और पैमाने जिस पर भी रैंकिंग की जाती है वो इंडिविजुअल रैंकिंग भी है। तो मिसाल और तो मिसाल के तौर पे यानी आज की एक टीम में दो अफराद हुए हैं जो इससे पहले दोनों अलग अलग टीम्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। दोनों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, टीम परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी, तो बहरहाल उनको फिर वो इंडिविजुअली एज हासिल हुआ और अब वो दोनों एक टीम की सूरत में है। तो ऐसे वैसे एक फजाद के ये इस अंदाज है, लेकिन बहरहाल सिंपली स्पीकिंग यही कि टीम ए और टीम बी है और इकरार भाई ने बताना है कि भाई कौन सी टीम आज जीतती और कौन सी नहीं जीतती। सो हमारे टीम ए में है हुमैर रमज़ान साहब, सही नाम ले रहा हूँ मैं, और जनाब साद रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी से हैं आप दोनों का ताल्लुक। और यहाँ से हैं मोहम्मद उवैस साहब, मोहम्मद वैस आप हैं जनाब अरीना मल्टीमीडिया से, सैफुर रहमान साहब हैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से। भाई आप उसे नहीं थे, मैं सैफ साहब के अशार पढ़ने के अंदाज का बड़ा मद्दा हो गया। हाँ बहुत जबरदस्त, चलिए आज मुझे तो बहरहाल एजाज हासिल होगा। सो लेट्स सी, आपको शेर सुनाई हम मुकाबले का आगाज। एक बड़े जानदार और नए शायर है मजदूम खान, उनके दो अशार अर्ज करता हूँ कि दुनिया को शानदार का मतलब नहीं पता। अच्छा, दुनिया को शानदार का मतलब नहीं पता, मतलब हमारे यार का मतलब नहीं पता। अल्लाह करे तुम आंखें दिखाओ उसे कभी, जिस शख्स को खुमार का मतलब नहीं पता। पता है जनाब, जनाब हजार किससे सुनाता रहा गिलास का रंग, मिटा सका ना मगर मेरे लब से प्यास का रंग। प्यास का रंग जनाब, घरों के फैसले चौपाल में नहीं करते। अच्छा, बपा ये जुल्म किसी हाल में नहीं करते, नहीं करते। ये टीम ए, यतीमे शहर की इज्जत पे हर्फ आया और घरों में चैन से सोते रहे हमारे लोग। हमारे लोग, अंदाजा हो गया होगा आपको। गुलों के नक्श सरे आप देखने के लिए, मिली थी आंखें मुझे ख्वाब देखने के लिए। मैं रेस्टोरान में आया करूंगा बाद अजमर्ग, ये अपना हल्का ए अहबाब देखने के लिए। ये टीम ए जनाब, याद की सूखी झील में अक्सर बैठे रहते हैं पांव डाल के लोग, मुब्तलाए हजार गम हो मगर हंस के मिलते हैं खाने वाल के लोग। पहला मिसरा दोबारा पढ़िए, आखिरी मौका है वरना पॉइंट टीम बी को। याद की खुश्क झील में अक्सर बैठे रहते हैं पांव डाल के लोग। जनाब एक मिनट रुकिए, याद की खुश्क झील आप खुद फैसला कीजिए कि पहला मिसरा वज़न में है। सर मैं दिखा सकता हूँ। हाँ जरूर दिखाइए, एक मिनट मैं खुद आज चल के आपके पास आता हूँ। याद की खुश्क झील में अक्सर बैठे रहते हैं पांव डाल के लोग, यही पढ़ा है आपने। अब खुश्क झील में अक्सर बैठे रहते हैं पांव डाल के लोग, बैठे रहते हैं पांव डाल के लोग। याद की खुश्क झील, नहीं तो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ें। रुक जाइए, अभी आप यहीं पे रुका रहने दे जरा फैसले। अच्छा क्या कोई पीछे मुसनसनी वाला। याद की खुश्क झील में अक्सर अहमद अमीर पाशा साहब, याद की खुश्क झील में अक्सर तीसरा शेर, याद की खुश्क झील में अक्सर बैठे रहते हैं पांव डाल के लोग। ठीक हो गया जनाब, गाफ से शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। चले, इसमें कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। ठीक है, हाँ जी आइए। घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूंगा, गम छुपा कर मेरे माँ बाप कहाँ रखते हैं। कहाँ रखते हैं, नून टीम ए बिस्मिल्लाह कीजिए। नेजे की नोक पर भी जो पढ़ते थे ला इलाह, अल्लाह अकबर, इस्लाम की हयात है उस खानदान की जंग। जंग खानदान की जंग, गाफ़े गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, हाय 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 हाय, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। असगर के लब पे तिश्नगी ये आप देखकर,
हुरमल का तीर लड़ता रहा है कमा से जंग, कमा से जंग। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। ना आशना रहे वो हमारे ही नाम से, हमने लड़ी थी जिनके लिए खानदान से जंग, खानदान से जंग। घर की बातें कभी बाहर नहीं की जाती हैं, जब भी लिखे ना कदो खाल तुम्हारे मैंने, इश्क इंसान से क्या क्या नहीं करवाता है, दिन जो जन्नत के थे सहरा में गुजारे मैंने। मैंने ये टीम ए जनाब, यूं सजा चांद के झलका तेरे अंदाज का रंग। यूं फिजा महकी के बदला मेरे हमराज का रंग। और क्या खूबसूरत गाया इसको, 1984 में एक एल्बम थी मेराज गजल, गुलाम अली और आशा भोसले ने मिलके। जनाब गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या? क्या मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, आखिरी बार मिल रही हो क्या? जनाब ऐसे उस हाथ से गिरे हम लोग, टूटते टूटते बचे हम लोग। गहवारे सफर में खुली है हमारी आंख, तामीर अपने घर की हुई संगे मील से। यूं भी फरोग देते हैं अपने दरो को, यूं भी फरोग देते हैं अपने दरो को, लाकर कोई गवाह मुझे मारते हैं लोग। गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते दोस्त, उनकी खूबी है कि बस प्यार बहुत करते हैं। नासिर बनोगे किसके अभी फैसला करो, दोनों तरफ शुरू हुई है अजां से जंग। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है अजीब, ये दो अलग अलग आपने पढ़ दिए। अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है, ये एक और नज़्म का शेर है गालिबन ये गज़ल का जी। याफ्त के शहर में नायाब के मारे हुए लोग, नींद में पढ़िएगा मिसरा जरा जी। याफ्त के शहर में नायाब के मारे हुए लोग, नींद में चलने लगे ख्वाब के मारे हुए लोग। जनाब गुलों से रंग ना लें खुशबुएं कशीद करें, उदास लोगों में बैठे मगर उदास ना हो, भले वो होंठ मेरे नाम पर लरजने लगे मगर वो आंखें मुझे देखकर उदास ना हो। अच्छा। क्या बात है, ना जाने कौन सी मंजिल पे जाके ठहरेंगे। अच्छा तेरे सितम से गुरेजा मेरे सलाम से लोग, तेरे सितम से गुरेजा मेरे सलाम से लोग। जनाब गो मेरे हाथ में खंजर है पर मैं सोचता हूँ, अच्छा बहादुरी तो इसी में है माफ कर दिए जाएं। मिनट और है हमारे पास, दो मिनट और। ओके दो मिनट निकाल ले आपने जनाब। नींद की कोहर में लिपटे जागते रस्तों पर आ निकले सलीम, हिजर के मारे खाक उड़ाते आवारा से पागल लोग। हिजर की दोबारा पढ़ दीजिएगा प्लीज। नींद की कोहर में लिपटे जागते रस्तों पर आ निकले सलीम, ठीक है हिजर के मारे खाक उड़ाते आवारा से पागल लोग। गोया है मेरे सामने खुशबू है मुजस्सम, इस तर्ज से लिखा है पयामे गुले राना। आहा अच्छा है, वाह 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 क्या कह दे। एक मोहब्बत पे बस नहीं करेंगे, मीर के पैरोकार हैं हम लोग, मीर के पैरोकार हैं हम लोग। गाफ टीम बी, बहुत सारे अशार हैं, थोड़ी सी तवज्जो। गाफ एक, गाफ दो। गोया हुआ कोई भी तेरे सामने मगर मैं खामोशी से आज यहाँ पर खड़ा भी हूँ। चलिए खैर बार लिए आइए टीम, मेरी नजरें घड़ी की तरफ है, आखिरी 50 सेकंड है, 50 सेकंड। न जाने कौन सी रस्सी से बांध रखा है, किसी ने चांद को खिड़की से बांध रखा है। अच्छा शेर है, वाह वाह बांध रखा है। यूं भी सरकार की निस्बत ने संभाला हुआ है, डूबने वालों को क्या खूब उछाला हुआ है, राहतें
आपकी नाले न राहतें आज भी सर यूं भी सरकार की नस्बत ने संभाला हुआ है, डूबने वालों को क्या खूब उछाला हुआ है, राहतें आपके नालेन से उछाला हुआ है। ये टीम है बिल्कुल, ये जान कर भी के दोनों के रास्ते थे अलग, अजीब हाल था जब उससे हो रहे थे अलग अलग। गली से गुजरूं तो उस पर भी ध्यान पड़ता है, वो जिसका घर मेरे रस्से में आन पड़ता है। टाइम खत्म हो गया भाई, हो गया जी। हाँ, हो बिल्कुल। ओहो अच्छा भाई, बड़ा आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया। वो चूँकि जो मिसरा आपने पढ़ा था, मुझे इसलिए शक गुजरा कि आपने पहली बार उसको किसी और तरह से अदा किया था, तो मुझे लगा कि शायद उसमें कोई गड़बड़ है। लेकिन बहरहाल खूब अशार पढ़े आपने, सिर्फ तुकबंदी नहीं की, आपने भी अच्छा मुकाबला किया। एक आध मिसरे में आपने भी गड़बड़ की, तो मेरा ख्याल है वो एक आध मिसरे की वो गड़बड़ और एक आध मिसरे की ये गड़बड़, हम नेट हो गया, मतलब नेट हो गया, बैलेंस हो गया। तो फिर मेरा ख्याल अल्फाज की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन दोनों टीमें, ख़ास तौर पर टीम बी, ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने आपके ताबड़तोड़ हमले बर्दाश्त किए और बहुत देर तक गाफ से वो अशार पढ़ते रहे। क्योंकि आम तौर पर हम भी चूँकि बैतबाजी करते थे, तो हर लफ्ज़ से ये अलिफ और नून वगैरह के अलावा 5-7 अशार ही हम आम तौर पर याद किया करते थे। तो ये बड़ी बात है, आपने आज कम से कम कोई 15-20 अशार तो पढ़े होंगे। तो फिर चेक कर ले जरा तीनों दोनों, ठीक है जी, सही, आप ए हैं और आप बी हैं, ठीक है जी। आप बजर बजाएंगे और हम बताएंगे कि किसने बजर बजाया, फिर फौरन आप बस शुरू कर देंगे। अल्फाज जरा छुपा दीजिएगा, मैं बेफिक्र हूं, ठीक है। तो आप जो मालूम जो लफ्ज मैं दिखाऊंगा वो मैं बोलूंगा नहीं। अच्छा। चले जी फिर इजाजत, आप दोनों अगर मुतमईन है इस बात पे, तो मेरा ख्याल अल्फाज की हम ऑप्शन पे चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल मुकाबला अब तक आप दोनों ने खूब किया और अब तक आप दोनों ही फाते हैं आज के इस मुकाबले के। तो लफ्ज़ मैं पुकारता भी हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ, मगर इसमें कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी कि आप बजर बजाने के बाद सोचे। और ये तासुर अगर हम दोनों को मिला तो कि आपने सोचा है, तो ये मुतफक्का तौर पे हम पॉइंट दूसरी टीम को दे देंगे, सिर्फ ये नहीं कि आपका पॉइंट ही छिनेगा। जनाब लफ्ज है मलाल। जी ए, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी, थोड़ी है, है। क्या बात है, बहुत बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक हो गया, ठीक हो गया जनाब। एक पॉइंट टीम ए के लिए, सही, क्या कहने। दूसरा लफ्ज है घड़ी। जी बी, बी मेरे हाथों में घड़ी है मगर वक्त नहीं, आज मैं सोचता हूं वक्त गुजारूं कैसे। अच्छा शेर वजन के एतबार से ठीक है, मेरे हाथों में घड़ी है मगर वक्त नहीं, मगर वक्त नहीं, ठीक है। दूसरा मिसरा बताइए, पर यही सोचता हूं वक्त गुजारूं कैसे, गुजारूं कैसे, ठीक है। इसमें तकनीकी तौर पे तो कोई मसला नहीं है और जाहिर इतनी जल्दी शेर घड़ा भी नहीं जा सकता। तो एक एक पॉइंट जी, शायर कौन बता रहे, शायरों के नाम तो नहीं। हाँ शायरों के नाम तो खैर जरूरी नहीं है, ये पाबंदी नहीं है कि आप जो भी शेर पढ़ रहे हैं कि उस शायर का नाम आप बताइए, ये कतन पाबंदी नहीं है। लेकिन वजन में अगर कोई गड़बड़ है तो आप उस पर एतराज उठा सकते हैं। हाँ वजन के एतबार से दोनों मिसरे दुरुस्त हैं। जनाब आखिरी, अच्छा जी फिर हम एक काम ये करते हैं, आप जा रहे हैं, अच्छा मैंने कहा मैं वॉकआउट कर जाऊँ। अच्छा जी एक लफ्ज मैंने यहाँ रखा था, दीजिए ज़रा। हाँ ज़रा एक लफ्ज जनाब, आप ये तो नहीं पढ़ना, नहीं, नहीं, ये वाज़े हो गया था। हाँ हाँ ये वाला तो नहीं पढ़ना ना, नहीं 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 नहीं, ओके लफ्ज मैंने थोड़ा तब्दील कर दिया ताकि थोड़ा मुश्किल लफ्ज हो। बिल्कुल देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ बजर बजाने के एक सानिये बाद भी नहीं सोचने का मौका आप लोगों के पास। लफ्ज है आजार। ए, ए आजार, तेरे आजाद बंधु की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, तेरे आजार 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 आजार, पुकारने का मतलब भी ये है जनाब, लिखा हुआ भी है हाँ, लेकिन पुकारा मैंने आजार जनाब, आजाद लगा, आजाद क्यों लगा, आपको सोचना चाहिए। सर सुनने में यही आ रहा था, सुनने में नहीं, नहीं आजार कहा है मैंने, मैं तुम्हें अब तो मामला गड़बड़, अब तो गड़बड़ हो गया, अब तो फैसला किया जाएगा इस पे कि क्या होना चाहिए। मैं आपको खाली मैं बहसियत हूं सबसे राय पहुंचा कंट्रोल रूम की ये राय कि आजार ही सुना दिया आजाद, प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि आजार ही आजार हुई रे, हाँ आजार ही आप कह रहे हुए, हाँ कंट्रोल रूम मेरा दोनों की राय, मामला ये अल्फाज की अदायगी से रहा है ना, न्यूज़ कास्टिंग से लेके डिबेटिंग से लेके शायरी तक,
तो मैं तो दाल और रे में बहुत वाज़े फ़र्क, मैंने दानिस्तन आज़ार कहा है। अब देख लीजिए क्या फैसला होना चाहिए। आज़ार ही सुना है आपने जी, कंट्रोल रूम आप भी बता दीजिए। आज़ार ही वो कह रहे हैं आज़ार है कंट्रोल रूम का, मैंने देखिए ना फिर आपकी सुनने, इसी ने कहा था उजलत नहीं करनी है सर, सोचना है समझना है। उजलत में तो हम भी दबा सकते थे ना, इसी उजलत को। नहीं नहीं ठीक है, आप इस बहस में नहीं पड़िए, हम हैं ये बहस करने के लिए। मेरा ये ख्याल और मेरा ये गुमान है कि हमें फिर ये मौका नहीं देना चाहिए। अब आप मेरी 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 राय में ये पॉइंट, ये जो है इसका, हाँ ये रे ही है, आज़ार ही है। जी जी ये ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जी अगर ठीक, मेरी राय में ये पॉइंट टीम बी को जाता है, चूंकि हमारे जितने कंट्रोल रूम के लोग हैं, स्टूडियो में जितने लोग खड़े हैं, सबके सब लोग समझ रहे हैं कि आज़ाद नहीं सुना किसी ने, आज़ार सुना है। तो मेरा ख्याल है कि फिर इतनी थोड़ा सा, मैं बार बार कह रहा था कि ज़रा सा सुन के अगर आप, और पुकारने का मकसद ही ये था कि अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत हुई भी है तो कम से कम आप सुन के कम से कम उसको ठीक से अदा करें। मेरा फैसला टीम बी की तरफ है। और एक सच्ची बात है, वो हमदर्दी भी यूँ कह लीजिए, इसलिए कि गाफ के बहुत सारे हमले उन्होंने बर्दाश्त किए और अच्छा खेला। टीम ए ने भी, मैंने उनको दाद दी। मुकाबला मैंने कहा कि वहाँ तक बराबर था और आप दोनों फातेह थे, लेकिन अल्टीमेटली एक लफ्ज़ के जंजाल में आके मेरा फैसला टीम बी के हक में है जी। ठीक हो गया, मुनासिब, आपकी राय हतमी है, बिल्कुल ठीक। चले आप तो बहुत मुबारक हो पार्टिसिपेंट बी को, हमारे आज के विनर के लिए, अगले मरहले के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। एनेक्स और निजवा कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल के गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे रनर के लिए, विनर ने क्वालिफाई किया है। अगले राउंड के लिए दिलचस्प सूरत हाल के बाद टीम बी को सेलेक्ट किया गया। बहुत सारी तालियां बजाते, एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।